ऐसा है, हमारी कंगना रनौत मंडी से हमारी सांसद चुन के गई है और सांसद चुनने से पहले उसने ऐसी बातें कही है जो एक अनपढ़ नहीं कर सकता। जैसे आज़ादी 2014 के बाद आई, पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे और चुनाव लड़ने के बाद चुनाव के दिनों में भी उसने ऐसी बातें कही है तो अब उनको जो है हम गंभीरता से नहीं लेते। उसने कहा था कि मैं चुनाव के बाद पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र का दौरा करूंगी, लेकिन अब एक दिन के अलावा वो किसी क्षेत्र में जो है दौरा करने नहीं गई। बरसात में काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोग जो है बादल फटने की वजह से, भारी बारिश की वजह से वो सड़क लोग उतार गए हैं। हम भी व्यक्तिगत तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी, दूसरे हमारे मंत्रीगण सभी जो है मौके पर जाकर के उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और जो सड़क सहारे हैं उनके परिवार जनों को जो है ढांढस बंधवाया है। अब जो है सांसद जी हमारी लापता है और हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि वो आए मंडी संसदीय क्षेत्र में, जो लोगों को आपने वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करें। और जो है जैसे आपने कहा कि सारा पैसा किस फंड में जाता है, ये तो उसको कोई गंभीरता से नहीं लेते, ना उनको कोई पता है। आप जानते हैं किसी सांसद को चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पे जो है एक सुरक्षाकर्मी ने थप्पड़ मार दिया, महिला सुरक्षाकर्मी ने, और उसने इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने किसानों के बारे में बहुत अपशब्द का इस्तेमाल किया था। किसान जो है वो रेप करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो इसलिए अब हरियाणा में भी उसको जो है उनकी पार्टी को जो है भुगतना पड़ेगा। अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी उनसे जो है कम से कम स्पष्टीकरण मांगती, आप किस आधार पर ये बातें कर रहे हैं। इसलिए ये कहना, अब इतना ही कहेंगे कि हम उनको जो है अब गंभीरता से नहीं लेते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।